राम राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ पौधे थे जो कि ऑनलाइन परचेस किए थे, तो आज वही जो ऑनलाइन परचेस पौधे किए थे मैंने उन्हीं पौधों का रिव्यू दूंगा कि जैसे कि आपको भी ऑनलाइन जो पौधे हैं वो मंगाने चाहिए या नहीं मंगाने चाहिए। तो आज की वीडियो होने वाली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए मिलें। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं दोस्तों टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमने कुछ पौधे थे जो कि ऑनलाइन परचेस किए थे, और जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि अगर आपको जैसे कि नर्सरी की आपके आसपास कोई नर्सरी नहीं है या आपको उस पौधे के सीड नहीं मिल रहे तो आप उसको दोस्तों अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। पर मैंने दोस्तों आज तक कभी ये नहीं बताया कि ऑनलाइन पौधे जैसे कि जो परचेस करते हैं वो दोस्तों सही आते हैं, मतलब हमें खरीदने भी चाहिए ऑनलाइन पौधे या नहीं खरीदने चाहिए। वो आज की इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ कि अगर हम लोग अगर ऑनलाइन पौधे मंगाना चाहें तो उससे पहले मेरी ये वीडियो देख लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको सारा जानकारी दे दूंगा कि हमें ऑनलाइन जो पौधे हैं दोस्तों वो परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो मैं अपने गार्डन में कुछ पौधे हैं जो कि हमने ऑनलाइन परचेस किए थे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने एक अमरूद का पौधा था जो कि हमने ऑनलाइन परचेस किया था, और जब दोस्तों ये पौधा आया था ऑनलाइन तो उस पर सिर्फ एक पतली सी इतनी सी डंडी थी और उस पर दो पत्ते लग रखे थे। तो तब से हमारा थोड़ा बहुत दोस्तों बेकार लगा देख के, क्योंकि दोस्तों जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसका फ़ोटो तो दोस्तों काफ़ी अच्छी लगा रखी होती है कि काफ़ी बढ़िया पौधा निकलेगा, पर जब दोस्तों से परचेस करो तो बिल्कुल ख़राब पौधा आया था दोस्तों। एक पतली सी डंडी थी जिस पर दोस्तों वो जितनी इतनी बड़ी मान लीजिए इतनी बड़ी, और इस पर सिर्फ दो दोस्तों ऐसे पत्ते लग रखे थे। तो जब मैं हमने इसे अपने अभी से लगा लगा हमने 4-5 महीने पहले मंगाया था, तब से दोस्तों अब तक ये हमारे ये 18x18 इंच की ग्रो बैग में लग रखा है, पर तब से दोस्तों ये पौधा ग्रो शो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं पीले पत्ते उसके हमेशा दोस्तों रहते हैं। मेरी आपने पहली वीडियो भी देखी हो तो उसके अंदर भी दोस्तों मैंने इस प्लांट को दिखाया, तो हमेशा इसके पीले पत्ते हैं। ये दोस्तों तब से अब तक पौधा बढ़ तो गया दोस्तों, पर दोस्तों इसने बिल्कुल भी अब तक फ्रूटिंग मतलब इस पर एक भी बार नहीं आई, ना तो दोस्तों इस पर जो पत्तियाँ इसकी कभी भी हरी हो रही दोस्तों। इसके अंदर हमने इतनी खाद डाल ली दोस्तों लार्ज अमाउंट में, फिर भी दोस्तों इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं तो दोस्तों इस पौधे को देख के काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो आप भी परचेस कर सकते हैं, पर मेरी तरफ से अगर दोस्तों चाहते हैं तो आप देख के ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी दोस्तों ये 4 महीने पहले पौधा परचेस किया था और अब तक आपके सामने रिजल्ट है कुछ ग्रोथ शो नहीं कर रहा। इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र खाद वगैरह सब चीज़ डाल के देख ली, तब भी दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं शो कर रहा। आइए अभी आपको एक और पौधा दिखाता हूँ मैं ऑनलाइन जो हमने मंगाया था। तो चलिए, तो जैसे कि आप अपने सामने इस तरफ देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये लीची का पौधा हमने दोस्तों ऑनलाइन मंगाया था, जैसे कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये लग रखा है दोस्तों। अब पता नहीं दोस्तों ये लीची का ही पौधा है या जो जैसे कि जिस पर चीकू की कलम करते हैं जिसको हम खिन्नी बोलते हैं, तो खिन्नी के पौधे पे दोस्तों चीकू की कलम होती है, तो हमें तो दोस्तों ये खिन्नी का ही पौधा लग रहा है। तो और आपको मैं अभी लीची का पौधा भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप अपने सामने दोस्तों ये लीची का पौधा जो कि हमने ऑनलाइन परचेस किया था, और ये सामने जो दोस्तों लीची का पौधा ये हमने दोस्तों नर्सरी से परचेस किया था। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी पत्तियां और इसकी पत्तियों में दोस्तों कितना डिफरेंस है, आप खुद देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों लीची का ओरिजिनल प्लांट जो कि हमने नर्सरी से परचेस किया, और ये दोस्तों जो कि हमने ऑनलाइन परचेस किया था, तो आप खुद ही देख पा रहे हैं दोस्तों कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो अब आप खुद देखिए दोस्तों ऑनलाइन मार्केट वाले दोस्तों कितना बड़ा स्कीम करते हैं आपके साथ। अगर आप कोई भी पौधा अगर आपने जैसे कि हमने पौधा मंगाया था दोस्तों इस समय लीची की तो दोस्तों जो पौधा है जो दोस्तों खिन्नी का पौधा दे दिया है दोस्तों, वैसे तो पूरा अभी मैं पूरा इसको क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि खिन्नी का ये है कि लीची का, पर दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं अभी तो मैं अब तो मैं यूट्यूब पे भी दोस्तों इस वीडियो को डाल रहा हूँ, तो आप खुद ही दोस्तों से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जैसे कि आपके सामने ये पौधा लग रखा है इसकी पत्तियों को देखिए, और ये दोस्तों लीची का प्लांट जो कि हमने नर्सरी खरीदा है इसकी पत्तियों को देखिए कितना दोस्तों डिफरेंस है। अब दोस्तों वैरायटी भी दोनों की सेम है यहाँ तक की, और पत्तियों में डिफरेंस देखिए कितना है। और दोस्तों यही अगर आप ऑनलाइन अगर दोस्तों सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, तो उसमें सेम दोस्तों कॉपी आपको इतना बढ़िया पौधा दिखाया जाएगा जिस पर दोस्तों इतनी सारी लीची लग रखी होंगी, पर जब दोस्तों मंगाओ तो ये रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों ऑनलाइन पौधे परचेस करके तो दोस्तों मेरा डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों ऑनलाइन परचेस करने का, पैसे भी दोस्तों आपको ज़्यादा जाते हैं। दोस्तों ये पौधा दोस्तों हमें कम से कम 150 रुपये का पड़ा था, उसी से ज़्यादा दोस्तों तो ये पड़ेगा, और उसमें दोस्तों कुछ नहीं, एक पतली सी डंडी है दोस्तों, उस पर 4 पत्ते लग रखे हैं, वो भी दोस्तों हमें पता नहीं कि लीची की पौधा दिया है या किसी और चीज़ का दिया है। आपके सामने दोस्तों खुद ही दोस्तों अंतर आप लगा सकते हैं, अब तो आपने अंतर भी लगा लिया होगा कौन सा पौधा किसका कौन सा पौधा किसका। तो इसलिए दोस्तों मेरी तरफ से दोस्तों मनाइए कि आप दोस्तों ऑनलाइन पौधे परचेस ना करें,
क्योंकि दोस्तों आपकी वेस्ट जो ऑफ मनी है, आप दोस्तों मनी भी वेस्ट करेंगे और साथ में कोई रियल्टी भी निकलेगा। इससे बढ़िया आपके आसपास जो भी नर्सरी हो वहाँ से आप देख के पूरी संतुष्टि के साथ उनसे आप बात करके और अपने मन का जो दोस्तों आपको पौधा बढ़िया लगे सिलेक्ट करके वो दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं और काफ़ी दोस्तों कम प्राइस पे भी परचेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा बस यही मोटिव था। अब आपको दोस्तों खुद पता चल जाना चाहिए कि आपको कौन से ऑनलाइन पौधे परचेस करने हैं या नहीं करने। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। और दोस्तों लास्ट में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों इस वीडियो में मेरा कोई ये मोटिव नहीं था कि ऑनलाइन परचेसिंग ऑनलाइन मार्केट फेक है फ्रॉड है, कुछ नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। पर दोस्तों जो चीज़ हम मंगाते हैं तो वो हमें एक बार देख के मंगा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन दोस्तों जो फोटो दिखाए जाते हैं वो काफ़ी बढ़िया दिखाए जाते हैं, पर दोस्तों जो हम सामान लाते हैं वो उतना बढ़िया नहीं निकलता। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बनाने का बस मेरा यही पर्सपेक्टिव था। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।